नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है आरोह भाग एक, उसका 5वां अध्याय शेखर जोशी द्वारा लिखित गलता लोहा, जिसमें कल हमने पढ़ा था कि मोहन जो है एक पुरोहित परिवार में जन्म लिया हुआ बालक है, जो कि अपने पिता की सहायता करना चाहता है और हंसुआ लेकर वह खेतों की तरफ जाता है, लेकिन हंसुए का जो हंसुए यानी कि दराती जो है उसके जो कह सकते हैं वो कुंद हो चुकी है, अर्थात उसके जो धार नहीं थी, तो वह अपना मित्र जो धनराम था उसके पास जाता है और उसके पास जाकर बातचीत करता है। तो बातचीत में वो पूछता है कि मास्टर साहब तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। तो वो कहता है कि हाँ, एक साल हो गया है कि पिछले साल ही गुजरे हैं वो, लेकिन वो बातचीत करते हैं कि मास्टर साहब की जो छड़ी है ना उसका डर मुझे अभी भी लगा रहता था। तो इस प्रकार से जब बातचीत होती है तो वे दोनों हंस पड़ते हैं और वे फिर पुरानी जो स्मृतियाँ थीं, जो यादें थीं, उनमें खो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने भाग एक के अंतर्गत अध्ययन किया था कि किस प्रकार से जो धनराम और जो मोहन है वे पुरानी स्मृतियों में खो जाते हैं और किस प्रकार से मास्टर साहब द्वारा उन्हें पढ़ाने का जो क्रम था, जो उन्हें दंडित करने का जो क्रम था, तो उन्हें आंखों के सामने आने लगता है। तो उसी का ही हम अध्ययन करते हैं भाग दो के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं। अब स्कूल की चारदीवारी जो है ना, यानी कि गोपाल सिंह की दुकान थी, उस पर बैठ कर त्रिलोक सिंह जी पहले हुक्का पीते, उसके बाद में वे स्कूल में आते थे। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। अब थोड़ी देर पहले यानी कि मास्टर साहब के आने से पहले ना, जो बालक हैं वे धमा चौकड़ी कर रहे थे, उठा पटक मचा रहे थे, वो जो पेड़ हैं उनकी टहनियों पर झूल रहे थे, तो उनको ऐसे हो गया जैसे सांप सूंघ गया, अर्थात न जाने क्या दिखाई देंगे, जिसके कारण से वे बिल्कुल शांत हो गए। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? अब देखिए मास्टर साहब जो है ना, वे पूछ रहे हैं कड़े स्वर में, यानी कि गुस्से से क्रोध से पूछ रहे हैं, क्या तुमने प्रार्थना कर ली क्या? तो यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुँचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। अब देखिए लेखक कहता है कि अगर प्रार्थना कर ली होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर, उनका इनके बालकों का जो संवेद एक साथ जो स्वर है वो पहुंचता। और त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं और फिर वही कड़कदार आवाज़ में, आवाज़ मोहन नहीं है आज, और कड़कदार आवाज़ में कहते हैं कि मोहन नहीं है आज, ऐसा प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। तो मोहन उनका चहेता शिष्य था। अब मोहन जो है ना उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में बेजोड़। अब पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक था ये, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है इसने और पुरोहित खानदान का ये कुशाग्र बुद्धि का बालक है, पढ़ने में भी ये बेजोड़ था और गायन में भी। त्रिलोक सिंह हैं, मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। अब त्रिलोक सिंह जी जो थे मास्टर जी, उन्होंने मोहन को पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। अब देखिए इसमें जो लेखक बताता है कि जो मोहन है वह ही सुबह सुबह प्रार्थना करवाता था और प्रार्थना की पहली पंक्ति है कि हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, तो ऐसी पहली पंक्ति जो है उसको स्वर वही देता था, उसके बाद में प्रार्थना शुरू होती थी। तो मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। अब मोहन जो है कुशाग्र बुद्धि का था और साथ ही साथ वह पुरोहित जो कुल था उसमें जन्म लिया हुआ था, तो जाति के आधार पे भी ये उच्च कुल का हो गया, तो इसी कारण से त्रिलोक सिंह जी को बड़ी उम्मीदें थी उससे। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। अभी कक्षा में वो किसी से अगर सवाल पूछते, अगर सवाल किसी को नहीं आता तो वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही होता, अर्थात मोहन से ही उत्तर देता उसका। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। अब देखिए एक बालक जो है वो दूसरों को दंड दे रहा है,
तो गुरु की आज्ञा के अनुसार वह करता है ऐसा, अपने जो मास्टर साहब हैं उनकी आज्ञा के अनुसार वो उनको जो फिसड्डी बालक है यानी कि जिन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया, तो उनको दंड देने का जो भार है वो मोहन पर डाल दिया जाता, अर्थात मोहन को उनको दंड देता। अब गुरु जो है यानी कि जो मास्टर साहब आदेश देते हैं, पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक। अब ये आदेश देते थे कि इसके कान पकड़ और इसे 10 उठक बैठक निकलवा। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। अब जिस धनराम के पास में मोहन जो अपने जो हंसिया है उसके जो धार है पैनी करवाने के लिए आया है, तो वह भी अछूता नहीं था, तो उसने भी अनेक छात्रों में से वह एक था और उसने भी अपने हमजोली जो मोहन के हाथों कई बार बैंत खाए थे और कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। अब मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहती थी धनराम के मन में, लेकिन फिर भी वह धनराम जो है उसके प्रति यानी कि मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकारी समझता रहा। अब देखिए, धनराम एक लोहार परिवार से संबंधित है और जबकि मोहन जो है एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित है, तो धनराम के मन में बचपन से बिठा दिया गया था जातिगत हीनता के बारे में, तो जिसके कारण से धनराम ने कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा और इसे मोहन का अधिकार समझता रहा। वो बीच बीच में त्रिलोक से मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। अब देखिए, बीच बीच में मास्टर साहब है ना, वो जो मोहन की प्रशंसा करते और कहते कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा जिससे वह स्कूल का नाम रोशन करेगा, ही साथ ही साथ मेरा नाम भी ऊंचा करेगा, तो ऐसे शब्दों को सुनकर, ऐसे वाक्यों को सुनकर, ऐसी बातों को सुनकर जो धनराम है तो उसके लिए किसी तरह से सोचने की गुंजाइश नहीं रखता था कि वो उससे प्रतिद्वंदिता रखे। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक स्कूल का मुँह देख पाया था। अब जो धनराम था, जो लोहार का बेटा था, तो दूसरे गांव के जो खेतीहर मजदूर हैं, खेतीहर हैं जो किसान हैं, जो खेती करने वाले हैं, और जो मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी तरह तीसरे दर्जे तक स्कूल का मुँह देख पाया था। अब तीसरे दर्जे तक मतलब तीसरी कक्षा तक ही वो स्कूल में जा पाया था, पढ़ पाया था, इसके बाद में उसकी पढ़ाई छूट गई। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। अब देखिए, जो उच्च जाति का था उस पर तो ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो निम्न जाति का है तो उस पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, तो इसने बताया कि त्रिलोक सिंह मास्टर जो है ना वो कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक उन्होंने पूछ लिया, धनुआ तेरा का पाढ़ा सुना तो। अब अचानक ही पूछ लिया कि धनुआ कि तेरा का पाढ़ा सुना। अब ये धनुआ जो शब्द है वो धनराम के लिए प्रयोग किया गया है। अब तेरा का पाढ़ा, अब देखिए कैसे वो सुना पाता है या नहीं सुना पाता। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। अब लेखक कहता है कि धनुआ जो है यानी कि धनराम ने 12 तक तो पहाड़े याद कर रखे थे, लेकिन 13 का जो पहाड़ा है वो कैसे याद करे, उसके लिए तो बहुत वो पहाड़ जैसा हो चुका था। पहाड़ जैसा मतलब कि उसको याद कर पाना बहुत कठिन हो रहा था उसके लिए। अब लेकिन मास्टर साहब ने कहा है तो सुनाना तो पड़ेगा ही, तो देखिए वो सुना पाता है या नहीं सुना पाता। 13 एकम 13, 13 दोनों 24, अब क्योंकि 12 तक उसको याद थे तो 12 दोनों 24 होते हैं, तो उसने 13 का पहाड़ा भी उसके अंदर मिक्स डाल दिया, तो 13 एकम 13 तो उसको पता है कि वो होगा, लेकिन 13 दुना क्या होता है वो नहीं पता उसको, तो उसने 12 का पहाड़ा का जो 24 है वो उसमें कर दिया। तो 24 बोलते ही सटाक से जो संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। अब मास्टर साहब ने जैसे उसने 24 कहा 13 दुना 24, तो मास्टर साहब ने जो संटी है अर्थात जो छड़ी है उसकी पिंडलियों पर दे मारी और जिससे वह जो छड़ी है वो टूट गई। तो गुस्से से उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे तेरे का पहाड़ा याद कराता हूँ। अब गुस्से में आ गए हैं वो, क्योंकि बंछड़ी वो टूट चुकी है, तो कहते हैं कि जा तू बाहर नाले यानी कि खेत में से जाके एक ना मजबूत जो संटी है वो तोड़ के लेके आ, और फिर तुझे तेरे का पहाड़ा याद करवाता हूँ मैं। अब त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। अब सामान्य नियम क्या था तो चलिए आगे देखते हैं कि सज़ा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। अब देखिए, जो सज़ा पाने वाला है, जिसने सज़ा पानी है,
जिसने मास्टर साहब के सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसी को ही अपनी सज़ा के लिए अपना जो हथियार है वो जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। अब बलि का बकरा मतलब कि उसको सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है, निश्चित है ये, लेकिन अपने से अधिक मास्टर के संतोष यानी मास्टर साहब संतुष्ट हो जाएं तो इस प्रकार से वो ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो टहनी का चुनाव करता और वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो, ऐसे इस प्रकार से वह उस टहनी का प्रयोग जो चयन करता था। धनराम की मंदबुद्धि ही रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेरह का पाढ़ा याद नहीं हो पाया था। अब देखिए धनराम की मंदबुद्धि कह सकते हैं या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी, घोटा मतलब कि बार बार रटते रहने पर भी उसको तेरह का पाढ़ा याद नहीं हो पाया था। अब देखिए कई बार तो क्या होता है कि बच्चा जो है मंदबुद्धि होता है या फिर उसके मन में अगर कोई भय होता है ना, डर होता है, तो डर की वजह से भी वो किसी बात को याद नहीं कर पाता है। तो छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पाढ़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया। अब देख छुट्टी का समय होने वाला है तो माँ साहब ने, मास्टर साहब ने यानी कि त्रिलोक सिंह जी जो है उन्होंने उससे दोबारा पाढ़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते यानी कि तीसरी सीढ़ी मतलब कि तीन तक पहाड़े को बताते बताते वह लड़खड़ा गया अर्थात बीच में अटकने लग गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लिए उसके लाए हुए बैत का उपयोग करने के बजाय जुबान की चाबुक चला दी। अब देखिए मास्टर साहब ने पहले उसको डंडे से पिटाई की थी उसकी, लेकिन अब जो वह डंडा लेके आया था तो उसका उपयोग नहीं किया मास्टर साहब ने बल्कि जुबान का ही चाबुक चला दिया अर्थात वाणी के द्वारा ही वो उसको कह रहे हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, कि तेरा दिमाग तो जिस प्रकार से लोहे का काम करते हो ना तुम, तो वैसे ही लोहा भरा हुआ है तेरे दिमाग में, तो विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। अब देखिए मास्टर साहब ने अपने जो थैला है उसमें से 5-6 दरातियाँ निकालकर धनराम को दे दी कि इसके धार लगवा के ले आना। तो किताबों की विद्या का ताप लगाने के सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। अब किताबों की विद्या का ताप लगाने के सामर्थ्य कि धनराम को वह अच्छे से पढ़ा सके तो ऐसा उसके पिता में सामर्थ्य नहीं था। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। अब देखिए जो धनराम है थोड़ा बड़ा ही हुआ था, हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी यानी कि जो पीतल या लोहे की बनी हुई पाइप है उसे फूकने के लिए या उसमें जो हवा देने के लिए उसको उलझा लिया था, काम शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। अब पहले हथौड़ा जो छोटा होता है, घन जो बड़ा होता है, हथौड़े का बड़ा आकार जो है घन कहलाता है। तो पहले वो धीरे धीरे हथौड़े को चलाने लगा, फिर बाद में धीरे धीरे घन जो चलाने की विद्या भी उसने सीख ली थी, अब सिखाने लग गए थे उसके पिता। फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैंक चुनने की छूट दे देते थे तो वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। अब ये गंगाराम कौन है? अब गंगाराम जो हैं वे धनराम के पिता हैं। अब देखिए स्कूल के अंदर तो जब गलती करता था तो त्रिलोक सिंह जी जो मास्टर जी हैं तो अपनी पसंद का बैंक चुनने की छूट दे देते थे, लेकिन वहाँ पे गंगाराम जो हैं यानी कि जो इनके पिता हैं इनका चुनाव स्वयं करते थे और ज़रा सी गलती होने पर छड़ बैंत हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते अर्थात जो भी उनके हाथ में आ जाता तो उसे वो पिटाई कर देते थे धनराम की, चाहे छड़ी आ गई, बैंत आ गया, हत्था यानी किसी चीज़ का हत्था है ना वो अगर आ गया तो उसी से प्रसाद दे देना मतलब उसकी पिटाई कर देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाली। अब एक दिन गंगाराम जो हैं वे चल बसे, स्वर्ग सिधार गए, मृत्यु हो गई उनकी, तो धनराम ने सहज भाव से यानी कि धनराम को गंगाराम ने जो उनके पिता हैं इतना पारंगत कर दिया था कि उसको अपना काम संभालने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। अब ये देखिए किस प्रकार से गंगाराम जो है गांव वालों का, आस पड़ोस के जो गांव हैं उनका भी काम करता था तो धनराम कब करने लगा तो ये किसी को नहीं पता लगा। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर
त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। अब देखिए, प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही प्राइमरी स्कूल से वो जब मिडिल स्कूल में पहुंचा है तो मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली, जो कुशाग्र बुद्धि का था, ठीक है ना। तो मास्टर साहब जो हैं, जो त्रिलोक सिंह जी हैं, उनकी भविष्यवाणी को किसी हद तक वो उसने सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंसीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। अब जो साधारण हैसियत, ज़्यादा पैसा नहीं था बंसीधर जी के पास में, तो साधारण हैसियत वाले जो यजमान हैं, उनकी पुरोहिताई करने वाले जो बंसीधर तिवारी हैं, उनका हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। अब देखिए, एक पिता की इच्छा रहती है कि उसका पुत्र जो है उन्नति करें, उसके स्वप्नों को पूरा करें। तो बंसीधर जी के मन में भी इसी प्रकार का जो भाव है वो आ जाता है। उनका भी, बंसीधर तिवारी जी का भी हौसला बढ़ जाता है जब मोहन प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघकर छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। तो वे भी उसे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। अब पीढ़ियों से जो चला रहा पैतृक धंधा था, यानी कि पुरोहिताई का जो धंधा था, जो कार्य था, उसके प्रति वो निराशा का भाव रखते हैं बंसीधर जी जो हैं। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। अब देखिए, दान दक्षिणा के बल पर कितना अधिक घर खर्च चल सकता है, ये तो सभी जानते ही हैं। तो इसमें बताया है कि वो अपने परिवार का आधा पेट भर पाते थे, यानी कि भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था परिवार को। तो मोहन पढ़ लेकर वंश का दारिद्र्य मिटा दें, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। अब उनकी इच्छा थी कि मोहन जो है पढ़ लेकर वंश का, यानी कि परिवार की जो गरीबी है उसको मिटा दें, यही उनकी हार्दिक इच्छा थी, बहुत इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने पर भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। अब देखिए लेखक क्या बता रहा है इसमें, कि केवल इच्छाएं कर लेने से ही लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। अब देखिए, जो आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई और के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। अब 2 मील तो चढ़ाई है, उसके बाद में बरसात के समय मौसम में ना, जब बरसात अधिक होती थी तो नदियाँ उफान पर आ जाती थी, तो नदी की समस्या भी थी। तो भी बंसीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बंसीधर जी ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता, तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या वैष्णी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। अब देखिए, बालक जो मोहन है वो पढ़ने के लिए 4 मील जाता, अब 2 मील की चढ़ाई है, फिर बाद में नदी है बीच में, और है उसको पार करते हुए जाता। तो छुट्टी के बाद में जब वो आता तो थका मांदा वो घर लौटता, तो पिता जो पुराणों की जो कथाओं में विद्या वैष्णी, विद्या को प्राप्त करने वाले जो बालक हैं, उनके उदाहरण देता देकर उन्हें उसे उत्साहित करने की कोशिश करता रहता था। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंसीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। अब देखिए किस प्रकार से उसके मोहन के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की गई है मोहन के पिता बंसीधर के द्वारा, कि जब वर्षा के दिन होते थे तो नदी के पार बंसीधर जी ने, जो नदी के पार एक गांव था जिस गांव में विद्यालय था, तो वहां पे एक यजमान के घर पर ही मोहन का डेरा तय कर दिया था। डेरा मतलब ठहराव निश्चित कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। अब घसियारे मतलब घास काटने वाले। अब संयोग की बात बता रहे हैं लेखक इसमें, कि एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, नदी का पानी उतरा हुआ था और मोहन कुछ घास काटने वालों के साथ नदी पार करके घर पे आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। अब देखिए, पहले नदी का पानी उतरा हुआ है लेकिन पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है वर्षा हो रही थी, तो जिसके कारण से नदी का जो जल स्तर है एकदम से बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए, तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे न पहुँचते मटमेले पानी का रेता उन तक आ ही पहुँचा। अब देखिए किस प्रकार से जो घसियारे हैं, जो घास काटने वाले हैं, तेज़ी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि बरसात हो चुकी है
पहाड़ी के दूसरी तरफ, और पहाड़ी का दूसरी तरफ का जो पानी है वो उस नदी में ही आना था। तो पहले तो झाड़ झंखाड़ आ रहे हैं उसमें और पत्ते वगैरह आ रहे हैं, तो अनुभवी जो घसियारे थे जिनको अनुभव था कि उधर बारिश हो रही है तो उसका नदी के अंदर जो जलस्तर बढ़ने वाला है, तो तेज़ी से पानी को काटते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और किनारे पहुँचते न पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुँचा। अब रेला मतलब कि एक प्रकार से इकट्ठा पानी जो है उनके पास में, मटमैला जो पानी है वो पहुँच चुका है, वे लोग किसी प्रकार सहकुशल इस पर पहुँचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंसीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। अब देखिए, जब बंसीधर जी को पता लगा कि वो नदी पार कर रहा था और अचानक ही नदी का जो जलस्तर बढ़ गया, तो जिसके कारण से मुश्किल से उसका बच्चा भी घसियारों के साथ में किनारे पर पहुंच पाया है, तो इससे बंसीधर जी घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गाँव आया हुआ था। अब बिरादरी का मतलब पुरोहित परिवार से संबंधित ही होगा, वो ब्राह्मण परिवार से संबंधित ही होगा। तो एक संपन्न परिवार का जो युवक था रमेश, उन दिनों लखनऊ से, अब वह लखनऊ में रहता है रमेश, तो छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। अब देखिए, बातों बातों में बंसीधर जी ने अपनी जो बात है मोहन को बताई। अब बात क्या थी कि मोहन की पढ़ाई से संबंधित वो चिंतित थे, मोहन के प्रति चिंतित थे भविष्य को लेकर, तो मोहन की पढ़ाई के संबंध में जो बात है उनको बताई, जो चिंता प्रकट की उसके सामने, रमेश के सामने। तो रमेश ने केवल सहानुभूति नहीं जताई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वो मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। तो घर में जहाँ चार प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता। और रमेश के घर में चार व्यक्ति हैं, चार जने हैं घर में, चार सदस्य हैं, तो वो कहते हैं कि एक और बढ़ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। अब देखिए, जो रमेश है उनके ही बिरादरी का है, तो उसने कहा है कि वो उनके साथ में मोहन को लखनऊ भेज दें और वहाँ पे वह पढ़ लिख लेगा और वहाँ पे बड़े शहर में रहकर उसकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो बंसीधर के मन में चिंता है मोहन की पढ़ाई को लेकर, तो वे आश्वस्त होना चाहते हैं और रमेश से इस बारे में बातचीत करते हैं। तो क्या वह रमेश के साथ में जो मोहन है वो जाएगा, और क्या जिस उद्देश्य से बंसीधर जी पढ़ाई के लिए उसको वहाँ भेज रहे हैं, तो क्या वहाँ पे जाकर मोहन उसको पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता, क्या बंसीधर जी की जो चिंता थी वो समाप्त हो जाती है या नहीं हो जाती, तो वह हम पढ़ेंगे भाग 3 के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ही नमस्कार।